मतलब कि अच्छा खासा रिटर्न ये कंपनी बना करके दे रही है। इसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है ये अच्छा खासा ग्रो हो सकता है आने वाले कुछ ही सालों बाद, जो है मल्टी बैगर ये कंपनी जो है ये स्टॉक बन सकता है। और दूसरी बात करें, रिजर्व अच्छे खासे ये कंपनी के पास और अच्छे अच्छे मतलब प्रॉफिट भी ग्रो हो रहे हैं, डेप्थ भी नहीं है कंपनी के ऊपर, तो आप समझ सकते हैं ये कंपनी कितना ग्रो हो सकती है, कितनी इसके अंदर काबिलियत है। तो मैं लेकर के चलता हूँ कंपनी की तरफ, उसके बाद देखेंगे कि रिटर्न जो है ये कंपनी कितना बना करके दे सकती है, क्योंकि ये न्यू लिस्टेड कंपनी है तो CAGR देखने को नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म का। तो हम मान के चलेंगे 35% का ही कंपाउंडिंग अगर ये शेयर दे, ये कंपनी दे, तो देखें कि हमारा जो पैसा है वो कितना बन सकता है। तो कंपनी के नाम बता दो दोस्तों, कंपनी का जो नाम है वो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसकी अगर बात करें तो 2000 रुपये के आसपास जो है ये शेयर चल रहा है, और ये जो कंपनी है 2003 से है, लेकिन लिस्टिंग जो है इसकी अभी देखने को मिली है। इसकी बात करें तो 21,000 करोड़ की कंपनी है, कैपिटल मार्केट कैप जो बोलते हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड है 60% और रिटर्न ऑन इक्विटी 45% के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि पर शेयर जो है 45% का रिटर्न ये कंपनी बना करके दे रही है। यदि बात करें फिलहाल के प्राइस पर तो 2700 रुपये के आसपास ये शेयर गया था, और फिलहाल जो 2000 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है, मतलब कि 700 रुपये के आसपास का डिस्काउंट मिल रहा है। और पॉजिटिव पॉइंट की अगर बात करें तो कंपनी जो है लगभग डेट फ्री है, मतलब कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर। इसी के साथ यदि प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 48% की प्रॉफिट ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो जैसा कि बता दिया 44% के आसपास के हैं, मतलब पर शेयर जो है 44% का रिटर्न कंपनी बना करके दे रही है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड पे आउट भी ये कंपनी देती है 50% के आसपास का। यदि बात करें इसके प्रॉफिट की नेगेटिव पॉजिटिव फैक्टर की तो वो भी देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि इसके जो पॉजिटिव पॉइंट जो मैंने बताया है, रिटर्न देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग रिटर्न कैसे दे रही है और सेल कैसी हो रही कंपनी, ठीक है। तो 2018 से 2021 तक की सेल और उसके साथ प्रॉफिट देख लेते हैं दोस्तों। तो इसकी सेल आप देखोगे 241 करोड़ की 2018 में, फिर 393 करोड़, फिर 400, फिर 500, लगभग हर सालाना जो है 100-100 करोड़ का जो है सेल बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ यदि बात करें नेट प्रॉफिट की तो इसमें सेल जो लगातार बढ़ रही है, इसी के साथ यदि आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो लगभग 50 करोड़ का हुआ था नेट प्रॉफिट 2018 में, फिर लगभग 100 करोड़ के आसपास का 2019 में, मतलब कि डबल, फिर 140 करोड़ का लगभग ट्रिपल 2018 के मुकाबले में, फिर 198 करोड़ का, मतलब कि हर सालाना जो है डबल हो रहा है इसके प्रॉफिट, मतलब 2x हर साल जो है ये पैसे को करती ही जा रही है पर शेयर पे, ठीक है। तो समझ सकते हैं आपके पैसे को हर साल जो है दुगना कर रही है ये कंपनी, तो कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी और रिटर्न इतने ज़बरदस्त है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त है दोस्तों। तो सेल ग्रोथ की बात करते हो सालाना 5 साल का, लास्ट 5 साल का जो एवरेज सेल है वो 30% के जो उसमें जो है ग्रोथ है, 3 साल का देखें तो 29% का है। यदि 5 साल के प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 49% का है, 49%, 3 साल का 60%, जो कि प्रॉफिट आप देखोगे लगातार बढ़ते हुए नजर आएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें जैसे कि 40 से अबो है दोस्तों, ठीक है। तो कंपाउंडिंग की बात करें, CAGR की बात करें तो कंपाउंडिंग क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है तो देखने को नहीं मिलेंगे, आने वाले कुछ ही टाइम बाद जो है इसके CAGR भी जल्दी देखने को मिलेगी। यदि बात करें कर्ज की तो जैसा कि आप देख पा रहे हो पहले 3 करोड़ का कर्ज था 2019 और 2020 में, जो कि अभी 2021 में जो है 0 करोड़ का है, मतलब कि 1 रुपये का भी इस कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है, डेट फ्री कंपनी हो चुकी है। इसी के साथ यदि बात करें रिजर्व की तो 638 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास, मतलब कि अच्छा खासा जो है सेविंग में पैसा भी है इस कंपनी के पास, मतलब कि कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए कंपनी में तो ये जो है स्टैंड हो सकती है फिर से। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो 75% की जो होल्डिंग होती है उसे कहीं ज़्यादा जो है होल्डिंग है इस कंपनी के पास, 78%, हालांकि इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, कंपनी को 75 पर लाना पड़ेगा, और कुछ ही दिनों बाद जो है 75 भी होल्डिंग देखने को मिलेगी, जो कि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग होता है कि 75% की होल्डिंग रख सकती है कोई भी कंपनी। FII की बात करें तो 5% के आसपास की FII की होल्डिंग है, जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले में इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब कि FII ने एंट्री ली थी पिछले क्वार्टर में और फिलहाल के जो क्वार्टर है दिसंबर 2021 का जो दिखाया गया है शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसमें कहीं ज़्यादा जो है FII की होल्डिंग हो चुकी है। DII का डाटा देखें तो 4% की होल्डिंग है DII की भी, पब्लिक 12% की हिस्सेदारी इस शेयर में रखती है दोस्तों। तो मुझे काफ़ी अच्छा ये शेयर लगता है, मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा जो है पैसा ये कंपनी बना सकती है, इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट बनेगा दोस्तों कि आप देखते रह जाओगे, दूसरे शेयर का मुकाबला आराम से ये कंपनी कर सकती है। फिलहाल जो मिड कैप ये स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनी है ये, और आने वाले कुछ ही टाइम बाद जो है जल्द ही जो है लार्ज कैप जो है बनते हुए देखने को मिलेगी। यदि बात करें इसमें हम मान के चलें 50,000 रुपये लमसम इन्वेस्टमेंट कर दें
और 35% का सिर्फ रिटर्न दे, तो देखते हैं कितना पैसा बना सकती है कंपनी इसके अकॉर्डिंग। तो 10 साल तक हम यदि कंटिन्यू होल्ड रहे 50,000 के साथ इस कंपनी के साथ, तो देखते हैं कितना पैसा बना सकती है कंपनी। तो सिर्फ और सिर्फ 50,000 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू से आपके जो पैसे होंगे वो लगभग 10 लाख रुपए बन जाएंगे आने वाले 10 सालों के बाद, ठीक है, अगर आप होल्ड करते हो तो। मतलब कि लगभग 20 गुना तक आपके पैसों को ये कंपनी कर सकती है। और यदि बात करें 15 साल, तो 15 साल बाद भी देख लेते हैं कि कितना पैसा बनेगा 50,000 की इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। तो 50,000 की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी उससे हमारा जो पैसा बनेगा वो लगभग 45 लाख रुपए बन जाएंगे अगर आप इन्वेस्टेड इस कंपनी में रहते हैं तो। आप देख लेते हैं और भी लॉन्ग टर्म की 20 साल तक अगर होल्ड करें क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो दोस्त लंबे समय के लिए जो है इसमें हिस्सेदारी रखना चाहते हैं उनके लिए बता दूं कि 20 साल बाद जो है आपके जो 50,000 की इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो लगभग 2 करोड़ की हो जाएगी दोस्तों, अगर आप जो है 20 साल तक होल्ड कर लेते हैं इस शेयर को तो। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा केमिकल शेयर के बारे में? ये मुझे लगता है ये कंपनी बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ दे सकती है अल्काइल अमाइन के मुकाबले में, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि इसके प्रॉफिट भी ग्रो हो रहे हैं, इसके ऊपर एक भी रुपए का कर्ज नहीं है और हर साल ये जो प्रॉफिट है उसको डबल करती जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा ये कंपनी बना सकती है, कितनी काबिलियत है इस कंपनी के पास। तो वीडियो कैसा लगा बताइए कि जरूर। जो दोस्त नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।